हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं जो है अपना बेडरूम साफ कर रही हूँ और अपने बच्चे को मैंने तेल लगा दिया है एक बार, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। और उसके पहले मैं जब सोकर उठी थी तो सबसे पहले मैंने उसको तेल लगाया था, तेल मालिश की थी, पतिदेव के लिए नाश्ता बनाया था और उसके बाद फिर पतिदेव चले गए थे और फिर ये सारा मेरा काम हो रहा है। तो बस अभी बेडरूम साफ़ करना है और किचन साफ़ करना है और कपड़े वगैरह थोड़े बहुत धुलने हैं। आज मशीन में नहीं धुलेंगे क्योंकि बहुत थोड़े से हैं और फिर रख देंगे तो कल पता नहीं धूप निकले ना निकले, ये वाला सिस्टम हो जाता है। तो इसलिए मेरे बच्चे के हैं थोड़ा सा, तो उनको मुझे धुलना है। तो बस आज का मेरा ब्लॉग जो है वो मॉर्निंग से शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस मेरा जो है जो मेरा घर का काम रहता है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, उसी का मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि मैं और किस चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ। और खाने के बारे में मैंने आप लोग को बताया ही है कि अभी मेरी दवा चल रही है, इस वजह से कुकिंग की कोई भी वीडियो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो बस यही सब वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग समझिए मेरी मजबूरी को और मेरा सपोर्ट करिए। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है छोटे से बच्चे के साथ ब्लॉग बनाना, आप लोग देखते ही हैं, मैं हर बात आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी फटाफट और मुझे पोछा भी लगाना है, अभी किचन साफ करना है तो वहाँ पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद एक साथ ही पोछा लगाऊंगी। तो फटाफट जो है मैं पोछा लगाती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। किचन में थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको भी मुझे धुलने हैं, बस नाश्ता के चाय वगैरह के बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। वैसे तो अब ठंड आ गई है, मैं रात में ही सारे बर्तन धुल लेती हूँ, सुबह इकट्ठा ही नहीं होने देती हूँ कि बहुत, क्योंकि सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं रात को ही सारे बर्तन धुल के तभी जो है सोती हूँ। थोड़ा सा लेटने में देर हो जाए सही है, लेकिन सुबह वाला काम ज़्यादा सारा कर लूँ तो अच्छा रहता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड भी लगती है और फिर उठने का मन भी नहीं करता और ऊपर से मेरा बच्चा उठ जाता है तो इसमें और भी कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपना काम जल्दी जल्दी से निपटाने का। तो बस अभी देखिए मेरा किचन का भी काम ख़त्म हो ही चुका है, पर झाड़ू पोछा करना है। तो बस ऐसे ही मेरा ब्लॉग बनता है और आप लोग जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो भी बनाती हैं जो भी खाती हैं सब दिखाइए। तो ठीक है, मैं जो भी बनाती हूँ जो भी खाती हूँ वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू और मुझे लगाना है पोछा, उसके बाद अपने बच्चे की मालिश करनी है। तो चलिए फिर फटाफट झाड़ू पोछा कर लेते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए हफ्ते में एक बार जो है मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ बैठ कर, क्योंकि फर्श वगैरह है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, वो गंदगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और रोज़ रोज़ वाला तो मैं ऐसे ही डंडे वाले पोछे से लगाती हूँ जब जल्दी रहती है मुझे, जहाँ जब जल्दी रहती है तभी मैं डंडे वाले से लगाती हूँ, नहीं तो मैं बैठ कर ही लगाती हूँ, क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैं कोशिश यही करती हूँ गंदगी बिल्कुल भी ना रहे, मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ लेकिन घर को अपनी साफ़ सुथरा ज़रूर रखती हूँ। मेरा बच्चा सोता है तो मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि घर का काम ख़त्म हो मेरा और अच्छे से साफ़ सुथरा हो, और जिस दिन साफ़ सफाई नहीं रहती ना उस दिन पक्का कोई ना कोई आ ही जाता है, और जिस दिन अच्छे से साफ़ सुथरा किए रहो कोई नहीं आता, लेकिन चाहे जब जो भी आए मेरा घर हमेशा साफ रहता है। और लेट हो जाता है खाना बनाने में कोई बात नहीं, लेकिन घर वगैरह साफ़ सुथरा रहता है तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं पोछा धुल रही हूँ और इसको मैं टांग दूँगी, थोड़ा सा धूप में सूख जाएगा और बस उसके बाद मेरा बच्चा भी उठने वाला है क्योंकि काफ़ी देर हो गया, तो उसको मुझे मालिश करनी है। तो चलिए फिर मालिश कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा बच्चा उठ गया है, तो बहुत अच्छे से तो मैंने मालिश नहीं कर रही हूँ इस समय, क्योंकि जो है इसके पेट में थोड़ा से दाने निकल आए हैं, गए कमरे में हीटर लगा रहता है ना, फिर ऊपर से स्वेटर भी पहना देते हैं तो इस वजह से थोड़े से दाने निकल आए हैं, तो पेट में पाउडर लगा देते हैं तो उससे जो है सही हो जा रहा है अब, तो इसलिए ज़्यादा मालिश नहीं करते हैं, बस ऐसे ही थोड़ा सा कर देते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि कब कैसा कपड़ा पहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, धूप में कब ले जाना है कब नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मुझे जो नहीं समझ में आता मैं फ़ोन में देख लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा सारा काम होता है और किसी के ऊपर डिपेंड रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो
मैं कोशिश करती हूँ खुद से ही सारा काम करूँ, और जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी मैं दूसरों की हेल्प लेती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लेती। तो बस पता नहीं ये सब क्या है, नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी इसको तेल मालिश करेंगे, और ये भी देखिए मालिश करवा रहा है। सो के उठता है तो आराम से मालिश करवा लेता है, और जब खेल उल चुका रहता है तब तो पक्का बहुत ज़्यादा रोता है। और इसको सर इसके सर में तेल लगाओ तो इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा रोता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, सब जगह लगा देती हूँ, और उस लास्ट में जब कपड़ा मुझे बनाना रहता है तो मैं इसके सर पे जो है मालिश करती हूँ तेल वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लगता है तो मुझे इससे भी बर्दाश्त नहीं होता और मैं मालिश करना बंद कर देती हूँ। तो इसलिए जब ये सो कपड़ा पहनाते हैं, दूध ला कर रखे रहते हैं, उसके बाद ही इसका सर जो है छूते हैं। तो बस ऐसे ही मेरा सारा काम होता है, और अभी मैं मालिश कर रही हूँ इसको। उसके बाद फिर मुझे भी, अभी मैंने चाय नहीं पिया है, पति देव को मैं चाय बना कर दे दी थी और उनका नाश्ता बना के दे दिया था, मैगी पराठा। और मुझे मैगी भी नहीं खानी है, पराठा भी नहीं खाना है, तो बस मैं सेब खाऊंगी और दूध पीऊँगी, ये हो जाएगा मेरा नाश्ता। और चाय पीने का मन करेगा तो ब्लैक चाय बनाऊँगी, वही पीऊँगी, क्योंकि दूध वाली चाय भी इस समय जो है मैं नहीं पी रही हूँ। तो जब तक मेरी दवा चलेगी यही सब रहेगा, और आप लोग के साथ कोई भी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, बस ऐसे ही मेरा ब्लॉग जाएगा। और ये देखिए मेरे बच्चे को तेल लग गया है, और ये शुशु भी कर दिया मेरे ऊपर। तो बस अब इसको सुला के उसके बाद फिर मुझे जाना है कपड़े धुलने, और ये देखिए मैं आ गई हूँ। तो ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, अभी मुझे इनको खंगारना है बस, क्योंकि धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने जो है कैमरा यहाँ पर नहीं लगाया, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बड़े कपड़े में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना छोटे कपड़ों में लगता है। तो बस अभी मुझे कपड़ा धुलना है, खंगारना है, और उसके बाद मुझे नहाना है। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।